अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत ही अफसोस के साथ ये ख़बर सुनी गई है कि डॉक्टर कमाल शरीफ अब हमारे दरमियान नहीं रहे, वो इस फ़ानी दुनिया को छोड़ गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दुआ है कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके अहल अयाल को सब्र जमील अता करे। डॉक्टर कमाल शरीफ साहब के बारे में आपको जानकारी है, वो कौम के मामलात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। वारणा नगर मस्जिद से भी जुड़े हुए थे। न्यू कॉलेज, अंजुमन हिमायत इस्लाम और अनगिनत इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए थे। वो अच्छे मुखर्रिर थे, गुड ऑरेटर इन इंग्लिश और लोगों को अच्छी बातें बड़े अच्छे अंदाज में कहते थे। कई मीटिंगों में उनकी तकरीर सुनने का मौका हुआ है, हम बहुत मुतासर हुए हैं। ज़माना पहले एक बहुत ही अहम मीटिंग हुई चेन्नई में कनिमरा होटल में। डॉक्टर ताहिर महमूद उस वक्त आए हुए थे। उस वक्त की तकरीर डॉक्टर कमाल शरीफ की आज भी हमें याद आती है। इसके अलावा उनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो गरीब बच्चों की तालीम और तरबियत में हिस्सा लेते थे। उनका एक ट्रस्ट है जिसके ज़रिए वो गरीब बच्चों की मदद करते आए हैं। आखिरी दम तक वो इस काम में लगे हुए थे। एक नई मस्जिद भी अभी हाल में 1.5-2 साल पहले चेन्नई में कायम हुई। इस तरह कौम के कामों में उन्हें बहुत दिलचस्पी थी, इस्लाम से बहुत दिलचस्पी थी। इस्लामी उसूलों को वो बड़े अच्छे अंदाज में पेश करते थे। आम्बूर मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी के सेंटेनरी सेलिब्रेशन में भी वो आए थे और ये पेपर प्रेजेंट किए थे, जो बहुत अच्छा रहा और लोगों से पसंद किया गया। तमाम लोगों से उनके ताल्लुकात बहुत ही अच्छे रहे, दोस्ताना ताल्लुकात थे और उनकी ज़बान भी शीरी ज़बान थी, बहुत मिलनसार थे। ऐसे डॉक्टर साहब को हमने आज खो दिया है। आखर का ताल्लुक भी उनके साथ एक ज़माने से था। जब भी मिलते थे हम खुश होते थे। ऐसे अज़ीज़, हर दिल अज़ीज़ डॉक्टर साहब भी आज हमसे जुदा हो गए हैं। न जाने इस दुनिया को क्या हो गया है, एक के बाद दूसरे जुदा हो रहे हैं। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए।
यही दुआ हमारी इस वक्त हो सकती है। एक और बात भी, ये कोरोना वायरस का ज़माना है, जनाजे की नमाज में भी शिरकत करना मुश्किल हो गया है क्योंकि 50 से ज़्यादा लोग शिरकत नहीं कर सकते, इजाज़त नहीं है। ऐसे में मैंने मुनासिब समझा कि इस वीडियो के ज़रिए चंद बातें कर लूँ, ताज़ेती पैगाम भेज दूँ। हम उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं। फिर एक बार ये दुआ करते हुए कि अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और उनके अहल वयाल को सब्र जमील अता करें, इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।